आज पूरे बिहार में रालोसपा के सभी समर्पित साथी एक साथ अपने घरों के बाहर उपवास पर बैठे हुए हैं। आज से पहले रालोसपा के सभी साथियों ने मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा जब भी लॉकडाउन का आह्वान किया गया हो, आदेश दिया गया हो, या संकट की इस विपरीत परिस्थिति में सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया हो, हमारी पूरी पार्टी ने इसका समर्थन किया है और इसमें सहयोग भी दिया है। रालोसपा का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं यह बात कहना चाहता हूं कि संकट की इस परिस्थिति में, इस घड़ी में, जब पूरे देश में लॉकडाउन है, बिहार में लॉकडाउन है, इसकी वजह से भी कई सारी परेशानियां हो रही हैं जिस पर सरकार का ध्यान उस तरह से नहीं जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर रालोसपा के सभी समर्पित साथी अपने घरों के बाहर आज उपवास पर बैठे हैं। जो प्रमुख मांगे हमारी हैं वह कुछ इस प्रकार है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब है, असहाय है, सरकार अविलंब उनकी तुरंत मदद करे। बिहार के बाहर जो भी मजदूर फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए या तो वहां व्यवस्था सुनिश्चित करे या उन्हें प्रदेश वापस बुलाए। बिहार से बाहर जैसे कि कोटा में फंसे बिहार के हजारों छात्र छात्राएं हैं जिनके पास वहां रहने खाने की भी सही व्यवस्था नहीं उपलब्ध है, उन सभी लोगों को रहने खाने की सही व्यवस्था मिले या अविलंब जैसे बाकी प्रदेश की सरकारों ने स्क्रीनिंग करके उन्हें अपने प्रदेश, अपने घर वापस बुला लिया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। निश्चित रूप से पुलिस संकट की इस घड़ी में बहुत शानदार काम कर रही है और हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन बेगूसराय में, गोह, औरंगाबाद में जो घटनाएं घटी हैं वह कभी भी समाज में स्वीकृत नहीं हो सकती हैं। ऐसी घटना के लिए जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने देखा है कि ओलावृष्टि हो या अन्य चीज़ें हो, उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान की इस घड़ी में सरकार अविलंब उन किसानों को जो भी मुआवजा दे सकती है वो मुआवजा उपलब्ध कराए। जो शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, वो सारे के सारे शिक्षक भी परेशान हैं, उनका वेतन उन्हें समय से नहीं दिया जा रहा है। उन शिक्षकों की मांग के साथ हम खड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि यह सारी जो हमारी मांगे हैं, जो भी मजदूर बाहर से आए हैं उन सारे मजदूरों को, कामगारों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन मांगों पर सरकार निश्चित रूप से विचार करे, वरना हम इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। ये आज आप लोग उपवास किए हुए हैं, क्या इसकी वजह है और चूंकि लॉकडाउन है तो किस तरह से अनुपालन भी इसका किया जा रहा है? आज हम लोग का उपवास कार्यक्रम है और यह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर है। यह कार्यक्रम पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय तक हो रहा है और हम लोग घर के अपने पास हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग दूरी बना के बैठे हैं। और हमारी मांग है राज्य सरकार से कि बिहार सरकार दूसरे राज्यों में फंसे जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, कुछ छात्र वहां पर पढ़ने के लिए गए थे वो भी फंसे हुए हैं और अन्य लोग भी हैं, हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार से, कि उन्हें बिहार लाया जाए, ये हमारी मांग है। और गरीब जनता जो है जिनका राशन कार्ड है उनको कोई परेशानी नहीं है, जिनको राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है हम सरकार से मांग करते हैं कि आधार कार्ड के आधार पर उनको भी राशन मुहैया कराया जाए ताकि उनको इस लॉकडाउन में परेशानी नहीं हो। और नियोजित शिक्षक जो हैं बकाए के वेतन उनको नहीं मिल पा रहा है, वो भी परेशानी में पड़े हुए हैं, सरकार से हम उनके लिए भी मांग करते हैं कि उनको वेतन दिया जाए। पुलिस जो हैं कोरोना आपदा में कहीं कहीं पर यह शिकायत मिल रहा है कि भेदभाव या जैसे भी प्रताड़ित हो रहे हैं किसान लोग, यह रोका जाए। और कोरोना के योद्धा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं अब वो भी इस लपेटे में आ जा रहे हैं, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि इनको सुरक्षा के लिए भी किट का व्यवस्था किया जाए, समुचित जो भी व्यवस्था हो ताकि हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी पीड़ित नहीं हो, वो भी बचें और हमारे देश को भी बचाएं। इसी के साथ अपना परिचय दीजिएगा। मैं पवन कुमार सुमन, नगर प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, गया। ये आज क्या कार्यक्रम आप लोग का रखा गया है यहाँ पर बैठे हुए आप लोग? आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर साफ सुथरी मांग को लेकर
आज 2 घंटे का सांकेतिक अवकाश अपने अपने आवास निवास स्थान पर अपने घर के दरवाजा के बाहर ये कार्यक्रम रखने का कार्य किया गया है। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? आज इस कार्यक्रम के तहत जो मांगे हैं हमारी, हमारे सरकार के द्वारा जो अड़ियल रवैया अपनाया गया है उसमें हमारे दिहाड़ी मजदूर जो बिहार के बाहर रह रहे हैं उनको वापस लाने की, चाहे हमारे छात्र जो कोटा में पढ़ रहे हों या अन्य स्थानों पर जो घर आना चाहते हैं उन लोगों की लाने का मुख्य मांग है सरकार से। और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे यहाँ, जो करीब करीब 60 की संख्या में लगभग डेथ कर चुके हैं भूखमरी के कारण, उसके लिए भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो उन नियोजित शिक्षकों का वेतन का भुगतान अविलंब कराएं। इसके साथ ही मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में लॉकडाउन के दरमियान अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे प्रशासन के द्वारा जो दंडित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ताकि जो मारा जाता है इसके कारण जो उनकी मृत्यु हो जा रही है, इन सारी मांगों को लेकर मैं प्रशासन पर कार्रवाई करने की भी मांग करता हूँ। इसके साथ ही जो डॉक्टर हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, मुख्यतः हम अपने राज्य की मांग अपने सरकार के समक्ष रखे हैं कि जो कोरोना योद्धा हमारे डॉक्टर हैं, चाहे वो प्रशासन हैं, उन लोगों के लिए भी डॉक्टरों को जो किट की मुहैया है वो उस ढंग का व्यवस्था किया जाए डॉक्टरों लोगों के लिए, कि वो जो कोरोना के लोगों को, पेशेंट को जो इलाज करते हैं उसके कारण वो खुद संक्रमित हो जा रहे हैं, तो इसके कारण हमारे कोरोना योद्धा भी पीड़ित होने के कारण हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जनता परेशान हो जाती है कि जब कोरोना के योद्धा ही पीड़ित हो जा रहे हैं तो हमारा इलाज कौन करेगा। आप लोग उपवास पर बैठे हैं और लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन वो आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग दूरी बना करके बैठे हैं और मास्क का भी व्यवस्था है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है, साबुन का व्यवस्था है, सारे हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। इसके तहत ही हम लोग पूर्ण व्यवस्था के साथ, ये जिला में ही सिर्फ आप लोग बैठे हैं या प्रखंड स्तर पर भी लोग बैठे हैं? ये प्रखंड स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी रखा गया है, कहीं कहीं अन्य राज्यों में भी ये चीज़ किया जा रहा है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजीव प्रकाश उर्फ बंटी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सह मुखिया कुजा पंचायत।